सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। Amen.
सन्धर वराहरूप निशिव नारायण नमस्ते नृसिंहरूपेण हन्तुं दैत्याङ्गिरध्यमे त्रैलोक्यदानसहिते नारायणि नमस्ते किरीटनि महावज्र सहस्रनयनाञ्जले वेत्रप्राणारे चन्द्र नारायणि नमस्ते शिवरूपे स्वरूपेण हरदैत्या महाभय घोररूपे महारावे नारायणि नमस्ते दशागरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्ते लक्ष्मीहस्ते महामिथ्ये श्रद्धे पुष्टे स्वदे ध्रुवे महारात्रि महामिथ्ये नारायणि नमस्ते वेदे सरस्वती वरे भूति भाव्रवितामसि नियते त्वं रसि देशे नारायणि नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते वयवस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतत्ते वरणं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायणि नमस्ते करालमत्युग्रमजे चासुरसोदनम् त्रिशूलं पादुना भीते भद्रकाले नमस्ते विनास्ते दशतेजांसि स्वरेण पुर्याजग साखण्डा पादुनो देवि पापेभ्यो नासुदायव हसुरा शिवसापङ्गचर्चितस्ते करच्छ्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके स्वाम्नदाभयम् रोगानशेषान्नभहंसदृष्टा दृष्टादुकामान् सकलानभीता वामाश्रिताणां हरिवानराणां वामाश्रितायाश्रयसां रयान्ति एतादृशं जगरणं द्वयाथ धर्मादृशां ते महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधात्ममोदे हित्वा मृगे सत्प्रकरोदिकान्या नित्यादुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु रकात्वदन्या मम त्वकरते महान्धकारे विक्रामयस्ते तदसि भवेश्वम् रक्षासि शत्रोगविशासि नागा यत्रारयोजशुभराणि यत्र गावारो यत्र सदाब्धि मध्ये तत्र स्थितात्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयतीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाजयाय त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयणारवेद नित्यं यदा सुरपदा धरुणैव सत्य आमाणि सर्वजगदां रजमानयाशो उत्पादपाकजनितां च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वादिहारणि त्रैलोक्यवादिनामेव लोकानां वरदा भव देव्योपाद जगदां दुर्गणाभरं जन्मनशत अहं वृणत्वं प्रयच्छामि जगतामकारकं देवाहोचुः सर्वाः
इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युत्स्थाः समप्रभा मृगपते सन्दर्शिताभेषणा कन्याविकरवारकेदविलस हताभिरासेविता हस्तैः चक्रगदाधिकेदविशिका विप्राणामनलात्मिकां शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्यवच देवितवे चमान्यत्यं दोषजया समाहिता कस्याहं सर्वमानां नाशयशाम्य संशयम् मनोकैटवनाशं च महिषासुरघातनं केतयिष्यन्ति यैतवद्वदं शम्भनशम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति चैव देवन्त्या मम माहात्म्योत्तमं ना तेषां तुष्टितं किञ्च तुष्टितोथा न च बला भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैषम्ययोजनं शत्रुतो न वयं दस्य दस्यतो वा न राजतः राजस्थानो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मे तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सस्तेनाहिता उपसर्गान् शेषासु महाभारे समर्थवान् तदा त्रिभक्त्पादमाहात्म्यं शमयेन् मम यत्रे सम्यक् नित्यभाजतरे मम पदानादद्विमोक्षामि सारिध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने भूयाया अग्निकारे महोत्सवे सर्वं मने तच्चरितं उच्चारं जापमेव च जानता जानता वापि कले भूयां तदा कृतम् प्रतिशिष्यामि अम्बे च वह्नि होमं तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते सा च वार्षिके तस्यामवेदन् महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाभागाधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न सञ्चयः श्रुत्वा ममेदन् महात्म्यं तदा जोत्पत्त्यः शुभात् पराक्रमं च शुद्धेषु जायते निर्मयः पमान् ृभवासंशयाम्यादि कल्याणं च वर्त्यते नन्दने च गुरम्बोधामाहात्मशण्वदा शान्तिकर्मणि सर्वत्र धरातु स्वप्नदर्शने यापि नासु शोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशोम्यादि ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वपनं च निवर्दिष्टं सुस्वपनमुपजायते बालकाः विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गादवेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां भरानेकरम्बरं रक्षोभूतविशाणां परहादेवनाशनम् सर्वं मवेदन् महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् गन्धदेवे विप्राणा भोजने भोगे प्रोक्षणे हनिशम् अन्ये सर्वे भोगे प्रधाने नया प्रीतिर्मेदे शुभे शुदं हरति पामानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां केतनाम् युद्धे जो चरितं जन्मे दुष्यदेत निर्वहणम् अन्ते सुदेवैरिकृतं भयं पुंसं जाये युष्मावि सुदयोजा च घाचभ्रमलेशभिकृता ब्रह्मणा च शिरासासु प्रयच्छन्ति शुभामति अरण्ये भ्रान्तरे वापि सावाणि परिवारितः धर्मविर्वाविदाशून्यो वापि शत्रुभिः सिंहव्याख्यानुजातो वा वने वामनहस्तिः राजा दुःखेन चाक्यक्तो भद्रान्धगोऽपि वा आघूर्णितो वा वाचेन शिरामोदे महानवे भगस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वावादासु घोरासु वेदनाभ्यासितोऽपि वा स्मरणमेतचरदङ्गरा मम प्रभावादिगाव्यासोपरिणस्तदा दूरादेव पराये समर्थचरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वादरधीयत देवि देवानिरातङ्गा स्वाधिकाराञ्जला पुरा यज्ञवायभुजा सर्वे चक्रवेहारया दैत्या च देव्यानेत शुभ्रदेवयोजते जगद्विध्वंसने तस्मै महाविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषा पादालमाययो एवं भगवती देवी सानित्यामि पुनः पुनः सम्भूय गुरुदेवो वा जगतः परिपालनम् तन्मोय देवेश्वं देवेश्वं प्रसूयते काचाजिराज विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति ध्यातं दैता सर्वं ब्रह्माणं मनजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामागे
भूतानां सर्व काले सनातनी भवनारे नाम सेवा लक्ष्मी वृद्धे प्रदागे सेवामावे सदा लक्ष्मी विनाशायो बजायते सुधा संपूजिता पुष्पे धूपगंधादिवे सदा करादेवतां पुत्रां च हरिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवावाच शिवदेवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमस्तम येन मन्त्रप्रभावेण कण्ठे जापः शुभो भवेत् नारवजं नारजला स्तोत्रम् कीलकं नारहस्यकम् नासूक्तं नाम्यध्यानं च नान्यासोनवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलभे अधिभूयतरं देवी देवानामविदुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन त्वयोभेदः पार्वती मारणं मोहनं वशं सम्भटोदाननादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका सोत्रमत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डारे विच्चे ॐ ग्रौं हुं क्लीं जौं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डारे विच्चे ज्वलहं सं सं चं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भहग्ने च शुम्भासुरघातने जाग्रतये महादेवि जवं सिद्धिङ्गरशमे ऐकारि सृष्टिरूपायि ह्रीकारि प्रतिपालिका ह्रीकारि कामरूपिण्ये भेदरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते जयकारे वरदायणे विच्चेशाभयदा नेत्रं नमस्ते मङ्गलरूपिणे गां ह्रीं धूं धूं जडे पर्णे वां ह्रीं भूं भावगेश्वरे क्रां ह्रीं क्रों कालिका देवी स्वां ह्रीं ह्रों ऐशमङ्गलो हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भणादनि ध्रीं भ्रूं भैरविभद्रे भवाने नमो नमः अङ्गं शं विद्धुं वैद्विं शं धिराजं धिराजं रोदयदाय दीतं कुरु कुरु स्वाहा रामीं भूं पार्वतीवरुणा साङ्गीं गोङ्गेधरे तदा साङ्गीजो सप्तचरितेभ्यः मन्त्रसिद्धिं कुरुष मे इदं तु कुञ्जिकारोदं मन्त्रजागर्तिहेतवे अभक्तेरेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशते मणे नाथस्य जायते सिद्धि अरण्यरोदनं यथा ओ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धारा सुकम नमस्ते 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 महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते
सरस्वती वंदना रवि रुद्र पितामह क्षमा प्रार्थना अपराध जगदंबिके इदानीं मनुका
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का रख्य गनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रख्य गनाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्त्या। देवी, जब तुम सर्वस्वरूपा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या सकती हैं। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते। कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हम सभी भक्तगण भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी शक्ति का पूजन होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। एक बार हलाहल नाम वाले अनेक दैत्य प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों लोकों को घेर लिया।
उन्होंने वैकुंठ तथा कैलाश पर आक्रमण कर दिया। तब शंकर भगवान तथा भगवान विष्णु जी उनके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। 60,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। तीन लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में बड़ी कठिनता से भगवान विष्णुदास शंकर ने उन पर विजय प्राप्त की और अपने अपने लोकों में आकर के अपनी शक्तियों के समक्ष जिनके बल से वो उस युद्ध को जीत सके थे अभिमान पूर्वक कहने लगे कि किस प्रकार उन्होंने उन महापराक्रमी दैत्यों का वध किया है। इस प्रकार के अभिमान पूर्वक बातों को सुनकर के दोनों लक्ष्मी तथा गौरी शर्म पूर्वक हास करने लगी, जिससे दोनों देव क्रोधित हो गए और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। ऐसा देख करके दोनों देवियां क्रोधित हो गई और भगवान शंकर तथा विष्णु से पृथक हो गई, अर्थात भगवान विष्णु जिससे विक्षिप्त हो गए, चेतना रहित हो गए, शक्तिहीन हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसा क्या कारण है जिससे सृष्टि का जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ये दोनों तब उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसा जब मैं इसका पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ तो इसका प्रतिकार कैसे करूँगा। तब उन्होंने नेत्र बंद करके देखा कि दोनों शक्तियों के अपमान के कारण ऐसा हुआ है, सृष्टि ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। कुछ देर तक ब्रह्मा जी अपनी शक्ति द्वारा कार्यभार संभाले रहे, फिर उन्होंने समाधि अवस्था में अपने मानस पुत्रों का आह्वान किया, जिससे सनक इत्यादि दक्ष इत्यादि उनके मानस पुत्र उनके समक्ष खड़े हो गए। उनसे ब्रह्मा ने कहा कि मैं सृष्टि का कार्यभार संभाले हुए हूँ, इसलिए उन शक्ति को प्रसन्न करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि उनके कोप से भगवान विष्णुदास शंकर चेतना रहित हो गए हैं। इसलिए आप ऐसा उपाय करो, उनकी उनसे प्रार्थना करो, उनकी आराधना करो, जिससे वो प्रसन्न हो और दोनों भगवान शंकर तथा विष्णु शक्ति संपन्न हो। उनके सभी मानस पुत्र हिमालय पर की तलहटी पर जाकर के 1,00,000 वर्ष तक दुर्गा माता की आराधना करते रहे, प्रार्थना की, हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन में संहार कराती हैं। हे माँ, आप प्रकट हो और एक दोनों भगवान शंकर तथा विष्णु को शक्ति से संपन्न कर दो। महाराज ने कहा कि मेरी शक्तियों का अपमान करने के कारण ही उनकी ऐसी दशा हुई है, उनको कभी भी मेरी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से वो पुनः शक्ति संपन्न हो जाएंगे, परंतु उनको कभी भी अपमान में आकर के मेरी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। दक्ष इत्यादि ने यह भी प्रार्थना की कि हे माँ, आपका जन्म हमारे घर में हो। तब दक्ष के घर में एक शक्ति जो तेज संपन्न जो पुण्य प्रकट हुआ, जिससे वो गौरी उत्पन्न हुई, वो सती जो पुनः शंकर भगवान जी को प्राप्त हुई, और खीर साल से लक्ष्मी प्रकट हुई जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, और वो शक्ति संपन्न हो गए और अभिमान रहित भी हो गए। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी अभिमान में आकर के हमको जो शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, नारी शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप, और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावन ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। ऊंचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।
घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा है, करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शरण वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लाखों दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं, माँ के दर का कोई दर नहीं है। यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, कैसे दर का कोई दर नहीं है। यहाँ बिगड़ी बने हर किसी की, इसके जैसा कोई दर नहीं। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। दर बदर खा के ठोकर जो मगर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। दर बदर खा के ठोकर जो मगर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। दर बदर खा के ठोकर जो मगर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। तूने उसको ही अपना बना, तूने उसको ही अपना बनाया। मौत का भी उसे डर नहीं, तूने उसको ही अपना बनाया। मौत का भी उसे डर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लाख दर तो है दुनिया में यूं, माँ के दर का कोई दर नहीं है। जीते मरते जो तेरी लगन में, जीते रहते विरह की अगन में। जीते मरते जो तेरी लगन जलते रहते विरह की अगन में। जीते मरते जो तेरी लगन जलते रहते विरह की अगन में। माँ जीते मरते जो तेरी लगन जलते रहते विरह
भरोसा है भवानी, है भरोसा तेरा है भवानी। तू नरम दिल है पत्थर नहीं, है भरोसा तेरा है भवानी। तू नरम दिल है पत्थर नहीं, है लख दर तो है दुनिया में यूं तो, मक्के दर का कोई दर नहीं है। दर तो है दुनिया में यूं तो, मक्के दर का कोई दर नहीं है। तू पिला दे जो एक बूंद रत की, क्या कमी है तेरे पास रत की। तू पिला दे जो एक बूंद रत की, क्या कमी है तेरे पास रज की। तू पिला दे जो एक बूंद रज की, क्या कमी है तेरे पास रज की। तू पिला दे जो एक बूंद रज की, क्या कमी है तेरे पास रज की। इतनी ममता भरी तेरे दिल में, जिससे गहरा कोई सागर नहीं है। इतनी ममता भरी माँ के दिल में, जिससे गहरा कोई सागर नहीं है। लख दर तो दुनिया में यूं तो, माँ के दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, दर जा कोई दर नहीं है। नाम रस का लगा चटका लगता बैकुंठ दिल का सौंदर्य। नाम रस का लगा चटका जिसको, लगता बैकुंठ दिल का सौंदर्य। नाम रस का लगा चटका जिसको, लगता बैकुंठ दिल का सौंदर्य। नाम रस का लगा चटका जिसको, लगता बैकुंठ दिल का सौंदर्य। मान दिल में फिर उसको बिठा, मान दिल को फिर उसको बिठा, किससे बेहतर कोई घर नहीं। फिर उसको बिठाया, किससे बेहतर कोई घर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, बाकी दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, मान ले सिर्फ माँ को तुम सीख ले याद में बस तड़पना। मान ले सिर्फ माँ को तू अपना सीख ले याद में बस तड़पना। मान ले सिर्फ माँ को तुम अपना सीख ले याद में बस तड़पना। मान ले सिर्फ माँ को तू अपना सीख ले याद में बस तड़पना। लगा ले माँ लगा ले किसी ने से तुझको, माँ लगा ले किसी ने से तुझको, क्यों दिल में बैठी है बाहर नहीं। दिल में बैठी है बाहर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, बाकी दर का कोई दर नहीं है। लख दर तो है दुनिया में यूं तो, बाकी दर का कोई दर नहीं है। कर्म है माँ की निष्काम सेवा, धर्म है माँ की निष्काम भक्ति। कर्म है माँ की निष्काम सेवा, धर्म है माँ की इच्छा में इच्छा।
धर्म है माँ की निज काम सेवा, धर्म है माँ की इच्छा इच्छा, सौंप दे माँ के हाथों में डोरी, सौंप दे माँ के हाथों में डोरी, के तुझे गिरने का फिर डर नहीं, सौंप दे माँ के हाथों में डोरी, माँ तुझे गिरने का फिर डर नहीं है, लख डर तो है दुनिया में यूं माँ के डर का कोई डर नहीं है, लख डर तो है दुनिया में यूं माँ के डर का कोई डर नहीं है, लख डर तो है दुनिया में यूं माँ के डर का कोई डर नहीं है, बिगड़ी बने हर किसी बिगड़ी बने हर किसी, कोई से जैसा कोई डर नहीं, बिगड़ी बने हर किसी इसके जैसा कोई डर नहीं है, लख डर तो है दुनिया में यूं तो माँ के डर का कोई डर नहीं है, लख डर तो है दुनिया में यूं तो माँ के डर का कोई डर नहीं, माँ के डर का कोई डर नहीं है, कोई के जैसा कोई डर नहीं है, इसके जैसा कोई डर नहीं है, जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय, एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर, जयकारा शिरवर जी का बोल सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, तो भक्ति का दान पात ये मांगने आए हैं, मो को तो भक्ति का दान पात ये मांगने आए हैं, मांगने आए हैं पात ये मांगने आए हैं, मांगने आए हैं पात ये मांगने आए, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, विराजे अंग सुहा चोला विराजे अंग सुहा चोला, सजा है सुंदर क्या डोला, सजा है सुंदर क्या जगदम्ब शरण हम तेरी आए हैं, हो जय जय
तू विराजे है, शीश पर छत्र विराजे है, कान में कुंडल साजे है, कान में कुंडल साजे है, शीश पर छत्र विराजे है, शीश पर छत्र विराजे है, वो कान में कुंडल साजे है, कान में कुंडल साजे है, कल हिरण को हार रवि शशि को शर्माए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, सिंह की करती असवारी, सिंह की करती असवारी, जोगनी संग चले सारी, जोगनी संग चले सारी, सिंह की करती असवारी, सिंह की करती असवारी, जोगनी संग चले सारी, जोगनी संग चले सारी, हनुमत चले अघारी, भैरव चवर दुलाए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, हमों को तो भक्ति का दान मात ये मांगने आए को भक्ति का दान मांगने मांगने आए, भूमि ने बन कर रण चंडी, 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 मार दिए पापी पाखंडी, मार दिए पापी पाखंडी, मार दिए पापी पाखंडी, मार दिए पापी पाखंडी, चंड मुंड महिषासुर से यमलोक पहुंचाए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण हम तेरी आए हैं, तुझे अकबर ने अजमाया, तुझे अकबर ने अजमाया, तुझे अकबर ने अजमाया, तुझे अकबर ने अजमाया, लटा पे तबा खजरवाया, लटा पे तबा खजरवाया, लटा पे तबा खजरवाया, लटा पे तबा खजरवाया, ज्वाला जी की जोर जलाया, पलक मुझने पाए तेरी आए
जगदम्बे शरण हमारे हैं। मैं तेरा सेवक हूँ नादान, तेरा सेवक हूँ नादान, मैं तेरा सेवक हूँ नादान, तेरा सेवक हूँ नादान। माई मेरी रखियो इसका ध्यान, माई मेरी रखियो इसका ध्यान, माई मेरी रखियो इसका ध्यान, माई मेरी रखियो इसका ध्यान। बड़े बड़े पापी की तूने पार उतारे हैं, जय जय हे अम्बे लंबे शरण हम तेरी एक भयन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय कर शरमन ढोल सच्चे दरबार की जय। हुण तारण दा वेला भवानु अवतारण दा वेला, हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला, हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला, हुण तारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला। अवतारो मां हुण तारो, अवतारो मां हुण तारो, अवतारो मां हुण तारो, अवतारो मां हुण तारो। अवतारण दा वेला मां अवतारण दा वेला, अवतारण दा वेला मां अवतारण दा वेला, अवतारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला, अवतारण दा वेला भवानी अवतारण दा वेला। अंब पके संता बल पके, अंब पके संता बल पके, अंब पके संता बल पके, माघ पके आइला भवानी अवतारण दा वेला, बाकी पके आइला भवानी अवतारण दा वेला, अवतारण दा वेला 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 भवानी अवतारण दा वेला। हम तले मैं खड़ी उड़ी का, 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 हो वेला भवानी अवतारण दा वेला, हो गया बेल कुबेला भवानी अवतारण दा वेला, अवतारण दा वेला 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 भवानी अवतारण दा रत्नगिरी पर्वत के ऊपर, रत्नगिरी पर्वत के ऊपर, रत्नगिरी पर्वत के ऊपर, रत्नगिरी पर्वत के ऊपर, शेरगिरी अलबेला भवानी
अवतरण दावेला ओ शेर फिरे अवेला भवन अवतरण दावेला अवतरण दावेला भवन अवतरण दावेला अवतरण दावेला भवानी अवतरण दावेला आहुन तारण दावेला भवन अवतरण दावेला ओ हुन तारण दावेला भवानी अवतारण दावेला भक्त जनों पर कृपा करिए 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 भक्त न जाए मिला भवानी तारण दावेला ओ भक्त न जाए मिला भवानी हुन तारण दावेला हुन तारण दावेला भवानी अवतारण अवतारण दावेला भवानी अवतारण दावेला अवतारण दावेला भवानी अवतारण दावेला अवतारण दावेला भवानी अवतारण दावेला अवतारो मां हुन तारो अवतारो मां हुन तारो अवतारो मां हुन तारो अवतारो मां हुन तारो अवतारण दावेला हो अवतारण दावेला 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 भवानी अवतारण दावेला अवतारण दावेला अवतारण दावेला अवतारण दावेला भवानी अवतारण अवतारण बोल सच्चे दरबार की जय ओम उत्तप्त हे मरुचि राम रविचंद्र वन्नी नेतांग अनुसुरजता कुशपाश सूलम रम्मेर भुजैश्च धरती शिवशक्ति रूपां कामेश्वरी मेरी भजामि धितेन्दुलेखां सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्माणो वसुरीथ यज्ञैः विधेन त्वं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु पित्राणामुदयस्तु क्षीरवर्षस्य आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त जन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय मंगल करनी भैया जय आनंद करनी तुम को निशि न जावत भैया जी को निशि न जावत हरि बम्बा जय हरि ओम जय अम्बे गौरी
ਮਾਦਰ ਕੋ ਹੋ ਚਲ ਕੇ ਦੋਰਨਾ ਹੋ ਚਲ ਦੇ ਗਲ ਮਾਲਾ ਸਤੋਸ ਗਲ ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਪਰਦਾਨੇ ਓਮ ਜੈ ਆਪੇ ਜੇ ਹਰਿਵਾਰ ਕਰਗ ਖਬਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ਮਈਆ ਕਰਗ ਖਬਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਨਰ ਜਾ
भैया जी को विश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा देव वाली माता तेरी सदा करा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबारी क्षमा करो अपराध चरण मारा क्षमा करो अपराध चरण मारा माता वैष्णो द्वार नशीच झुकाया माता वैष्णो द्वार नशीच झुकाया सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु के जब मारे रक्त बीज मधु के जब मारे चुंबन चुंब असुर संहारे चुंबन चुंब असुर संहारे किया भक्त कल्याण शरण माया किया भक्त कल्याण शरण बालकपन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सब बनाओ शरण माया जीवन सबल बनाओ शरण माया मुझे है घेरा भाव बनाने मुझे है घेरा तेरे अब कोई न मेरा तेरे अब कोई न मेरा दीन बंधु नाम है तेरा दीन बंधु नाम है तेरा करो कबल निजना शरण माया करो कबल निजना शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माता वैष्णो द्वार नशीच झुकाया माता वैष्णो द्वार नशीच झुकाया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे तत्पश्चात माता जी आरती होगी आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना प्रेम से बोलो जय माता दी बंगल बोलो जय माता दी आहे वेला जय माता दी कन्या वेला जय माता दी आठ वेला जय माता दी आप बुलांदी जय माता दी कष्ट मिटांदी जय माता दी मेरा करती जय माता दी डोलिया करती जय माता दी भरे खजाने जय माता दी डोला आने जय माता दी गोदा करती जय माता दी वीर नंदी जय माता दी लाल नंदी जय माता दी माने सुनिया जय माता दी रूपा वाली जय माता दी डोलिया वाली जय माता दी गौरा वाली जय माता दी भवना वाली जय माता दी मामा रानी जय माता दी चंडी रानी जय माता दी वैद्य देवी जय माता दी सचिया जोड़ा वाली माता तेरी सदा जय करा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पाकश्चित् दुःखभाग् भवेत् पाकश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा जय माता दी प्रथमे गुरु जी को वंदना
द्वितीय याद करे द्वितीय सुहा मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण पर चक्रम धनुषायकम हस्ता
श्रृंगारांत विरस श्रीकांत कुल प्रभा गौरी देह समूता पूर्वा मंत्र सरस्वती मन बजे आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जयकारा मां शेरावाली का, बोलो जय माता दी।